अपनी फिर्मी खाएं को भी इफेक्टिव खाएंगे। ब्रिटेन इकलौता देश बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, जुलाई 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपने आसपास के ऑलमोस्ट सारे देशों पर कब्जा जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे देश हिटलर के द्वारा इन्वेड किए जा चुके थे। साउथ में जो इटली का देश था, वहां पर एक और डिक्टेटर का राज था मुसोलिनी नाम से। उसने हिटलर के साथ एक अलायंस बना ली थी, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यूरोप में सिर्फ तीन ही बड़े देश बचे थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। अब जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में भी एक पीस एग्रीमेंट चल रही थी दोस्तों, तो हिटलर को सोवियत से डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सोवियत्स कभी जर्मनी पर हमला नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन इकलौता देश बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, वो दूर ही रह रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन कैसे बदली, आखिर कैसे हराया गया हिटलर को। आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ये वीडियो सेकंड पार्ट है दोस्तों मेरी वर्ल्ड वॉर टू की सीरीज का। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत कैसे हुई, और इस पार्ट में मैं समझाऊंगा कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म कैसे हुई, हिटलर को आखिर कैसे हराया गया। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर देख सकते हैं। हिटलर को लगा था अब जब ये सारी फाइटिंग खत्म हो चुकी है, विंस्टन चर्चिल एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा हिटलर के साथ। चर्चिल अपने देश को रिस्क पर नहीं डालना चाहेगा अब जब जर्मन आर्मी इतनी ताकतवर हो चुकी है, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. वो इस बात को क्लियर करते हैं कि चर्चिल और हिटलर के बीच में कभी भी कोई पीस समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी गई है ये जारी रहेगी। इस भाषण का मतलब था कि हिटलर अब यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा, और यही कोशिश हिटलर के द्वारा करी जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लायन, ब्रिटिश पर हमला बोलने के लिए। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे अटैक किया जाए ब्रिटेन को। बाय लैंड तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और मेनलैंड यूरोप के बीच में, तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर जहाजों के थ्रू कोशिश करी गई तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास कहीं ज्यादा और जहाज हैं जर्मनी के कंपैरिजन में, ये ठीक नहीं बैठेगा। तो फिर डिसाइड किया जाता है हिटलर के द्वारा कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाए। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट्स हैं, यूके के पास सिर्फ 700। इसीलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर हवा के जरिए हमला बोलता है ब्रिटेन पर। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे अटैक करते हैं बम गिराकर। शुरुआत में इनका मकसद था पहले एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को तबाह किया जाए। ब्रिटिश की छोटी रॉयल एयरफोर्स जो साइज में 1/4 थी जर्मन एयरफोर्स के कंपैरिजन में, वो पूरी कोशिश करती है अपने देश को डिफेंड करने की। एक बड़ी टफ फाइट होती है यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिश को ज्यादा लॉसेस सहने पड़ते हैं। धीरे धीरे जर्मन्स रात में भी हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब गलती से कुछ जर्मन पायलट्स जाकर लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं, जहां पर ढेर सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। It was the great fire in the city of London, almost to be compared with the fire of London in 1666. Pictures that looked like hell on earth. विंस्टन चर्चिल को लगता है ये कैसी वॉर है, ये सीधा हमारे शहरों पर हमला कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। यूके रिटेलिएट करता है बर्लिन शहर पर बम गिराकर। और जब हिटलर को यह होते हुए दिखता है तो शुरुआत में तो उसे इंटरेस्ट नहीं था लंदन शहर पर बम गिराने में, लेकिन जब उसे दिखता है कि यहाँ पर शहरों पर बमबारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब मैं लंदन को भी तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयरफोर्स को एक ऑल आउट डिसाइसिव अटैक करने को। 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक ही बारी में भेजे जाएं और काम को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। इमेजिन करके देखो दोस्तों क्या नजारा देखा होगा लोगों ने उस दिन। आसमान में 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स आ रहे हैं आपके देश पर बम गिराने के लिए। स्पेसिफिकली ये नंबर था 1120 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें से 620 फाइटर्स थे और 500 बॉम्बर्स थे। ब्रिटिश अपनी रॉयल एयरफोर्स को तैयार करता है, इनके पास सिर्फ 630 हवाई जहाज हैं। आसमान में इस दिन एक ऐतिहासिक लड़ाई छिड़ती है। The first wave of 100 bombers and 400 fighters was intercepted. Fighting raged all the way from the coast. ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स 60 से ज्यादा लुफ्टवाफे के एयरक्राफ्ट्स को गिरा देती है, अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट्स खोती है। सही सुना आपने,
ब्रिटिश ने सक्सेसफुली जर्मन एयरफोर्स के हमले को रोक दिया। इस दिन को बुलाया जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। क्या कारण था इसके पीछे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। ऐसा कैसे हो गया कि जर्मन एयरफोर्स जो इतनी ओवर पावर्ड थी, ज्यादा संख्या थी उनके पास हवाई जहाजों की, फिर भी वो ब्रिटिश एयरफोर्स के सामने कैसे हार गई। इसका कारण बड़ा सिंपल है दोस्त। जब भी किसी देश पर हमला किया जाता है, एक देश दूसरे देश को इन्वेड करता है, तो जो इन्वेड करने वाला देश है वो यहाँ पर कुछ पाना चाह रहा है। जो अपने आप को डिफेंड करने वाला देश है उसके लिए लिटरली एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर आज हम अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़े तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी हमारे लिए। सोल्जर्स की मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर। जब पिछले साल रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, सबको लगा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया पूरे यूक्रेन देश को खत्म कर देगा, क्योंकि रशियन आर्मी कहीं ज्यादा बड़ी थी यूक्रेनियन आर्मी के कंपैरिजन में, टेक्नोलॉजिकली भी ज्यादा एडवांस थी। लेकिन यूक्रेनियन सोल्जर्स के अंदर मोटिवेशन कहीं ज्यादा था, इसलिए आज के दिन तक यूक्रेन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा अपने देश को डिफेंड करने में। ये बैटल ऑफ ब्रिटेन डे दोस्तों हिटलर के लिए वन ऑफ द फर्स्ट मेजर लॉसेस में से था। पहली बार वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर को एक हार का सामना करना पड़ा। हिटलर को पता था कि चांसेस कम थे कि ये मिशन सक्सेसफुल होता, तो ऑपरेशन सी लायन को पोस्टपोन कर दिया जाता है और हिटलर यूके से अपनी नजर हटाकर नजर डालता है सोवियत यूनियन पर। अप्रैल 1941 में नक्शे पर कहानी कुछ ऐसी दिखती थी। ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमेनिया और बुल्गेरिया के जो देश थे, उन्होंने अपनी जर्मनी के साथ अलायंस बना ली थी, एक्सिस पावर्स का वो हिस्सा बन गए थे। इसके बाद और ईस्ट में जाएं तो यूगोस्लाविया और ग्रीस के देशों पर हिटलर ने ऑलरेडी कब्जा जमा लिया था। एक्चुअली में इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस को ऑक्यूपाई करने में लगा था, लेकिन ब्रिटिश की जो प्रेजेंस थी मेडिटेरेनियन सी में वो थोड़ी ज्यादा थी। इटालियन फोर्सेस अकेले डील नहीं कर सकती थी उससे, तो ब्रिटिश फोर्सेस को हराने के लिए हिटलर ने कुछ जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया में इटालियंस के साथ फाइट करने के लिए, और इसी की मदद से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी कब्जा जमा लिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिटलर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटेन को इन्वेड करने में। हिटलर एक्चुअली में पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था ब्रिटेन के साथ। उसे लगता है कि क्यों ना सोवियत यूनियन पर अपनी नजर डाली जाए, सोवियत यूनियन को हराया जाए, और जब ऐसा होगा तो ब्रिटेन अपने आप मजबूरन पीस ट्रीटी साइन करेगा डर के मारे। लेकिन सोवियत यूनियन पर क्यों हमला करना जब उनके साथ ऑलरेडी एक पीस ट्रीटी बनी हुई है। इसके पीछे असल रीजन था दोस्तों हिटलर की आइडियोलॉजी। उसे कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत थी। इसके अलावा उसे लगता था कि सोवियत यूनियन जितने बड़े देश पर अगर कब्जा जमाया जाएगा तभी जर्मनी नंबर वन सुपर पावर बनेगा दुनिया की, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन अब जर्मनी के अंडर आ जाएगी। बेसिकली हिटलर को मेगालोमेनिया हो गया था। उसे लगता था कि वही दुनिया का राजा है। पावर ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया था। उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकता है। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला बोलना एक बहुत बड़ी गलती होती है हिटलर के लिए। इनफैक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है वर्ल्ड वॉर टू में। हिटलर का प्लान बड़ा सिंपल था। जिस तरीके से फ्रांस को इन्वेड किया था इसी तरीके से सोवियत यूनियन को इन्वेड करेंगे। अपनी जर्मन फोर्सेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन से जाएगा सीधा लेनिनग्राड की ओर, वो शहर जहां पर स्टालिन रहता था। दूसरा हिस्सा मॉस्को की तरफ हमला करेगा और तीसरा हिस्सा साउथ से हमला करेगा यूक्रेन के थ्रू जाते हुए। ये ऑपरेशन शुरू होता है 22 जून 1941 को। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बड़ी थी। इनके पास 20,000 टैंक्स थे, जर्मन्स के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, जर्मन टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर थी सोवियत के कंपैरिजन में, इसलिए अपर हैंड इस लड़ाई में अभी भी हिटलर का ही था। अपने देश को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ जुड़कर एलाइड पावर्स का हिस्सा बन जाता है। Mr. Molotov signed for the Soviet this vitally important undertaking on the part of both countries to fight Hitlerite Germany till victory is won. Neither country to negotiate or conclude a separate peace. साथ में मिलकर प्लान बनाया जाता है कि कैसे सोवियत यूनियन की आर्मी के पास सप्लाईज भेजी जाए। एक रूट डिसाइड किया जाता है जो ईरान के थ्रू होते हुए जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईरान में जो सरकार थी वो हिटलर के फेवर में थी, तो इसी रीजन से यूके और सोवियत यूनियन साथ में मिलकर ईरान को इन्वेड करते हैं। फायदा यहाँ पर ज्यादा होता नहीं, क्योंकि हिटलर की ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटजी की मदद से सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर जर्मन्स ने ऑलरेडी 100 किलोमीटर अंदर घुस के सोवियत यूनियन के इतनी सारी जमीन पर कब्जा जमा लिया है। कुछ ही हफ्ते के अंदर ये इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि ये मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हिटलर और उसके मिलिट्री कमांडर्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से अगला जर्मन एडवांस अक्टूबर तक डिले हो जाता है।
ठंड बढ़ने लगती है। ठंडे मौसम में सोवियट्स के पास एडवांटेज है, उन्हें आदत है ठंड में लड़ाई करने की। दूसरी तरफ जापान की साइड में देखा जाए तो सोवियत यूनियन को वहां पर अपना दूसरा एडवांटेज मिलता है। जापान और सोवियट्स ने साथ में एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन कर ली थी। इसका मतलब ये था कि जो सोवियत आर्मी के ट्रूप्स ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद थे, जापान के साथ लड़ाई करने लग रहे थे, अब वो वापस आकर वेस्ट में लड़ सकते हैं जर्मनी के खिलाफ अपने देश को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आता है हमारी कहानी में। अचानक से जापान जाकर यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। दो 2300 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। यूरोप में अभी तक जो भी हुआ था उसको देखकर अमेरिका ने कहा था कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वर्ल्ड वॉर वन में बहुत इन्वॉल्व हो गया था मैं, तुम लोग अपना देखो। लेकिन जब ये बॉम्बिंग होती है पर्ल हार्बर की, फिर अमेरिका को लगता है कि अब बस बहुत हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका ऑफिशियली जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है और वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री मार लेता है। I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका एलाइड फोर्सेस के साथ अलायंस में जुड़ता है जिसमें अब यूके, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े देश हैं। यहाँ पर आप सोचोगे कि ये पर्ल हार्बर का हमला एक्चुअली में किया क्यों जाता है, इसके पीछे अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है हिरोशिमा और नागासाकी वाले वीडियो में। जापान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से मैंने उस वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेरिका यहाँ पर कुछ महीने का समय लेता है वॉर के लिए प्रिपेयर करने में एंटर करने से पहले। तब तक अर्ली 1942 में थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों पर जापान ने ऑलरेडी इन्वेड कर दिया है और अपना कब्जा जमा लिया है। मिड 1942 हिटलर डिसाइड करता है कि सोवियत यूनियन के साउथ पर फोकस किया जाए, जो उनकी सप्लाई चेन आने लग रही है ईरान से, पहले उसे खत्म किया जाए। यहां एक खूंखार जंग छिड़ती है स्टालिनग्राड के शहर में। सोवियत यूनियन की आर्मी अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापानीज टेरिटरीज पर हमला करती है साउथ पैसिफिक में। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा जाता है। चार इंपॉर्टेंट जापानीज एयरक्राफ्ट और सप्लाई कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जून 1942 में। इन द बैटल ऑफ मिडवे द जापानीज कैरियर फ्लीट द माइटीएस्ट इन एग्जिस्टेंस वाज अटली डिस्ट्रॉयड। जापान एट द हाइट ऑफ हर मिलिट्री पावर लॉस्ट नॉट ओनली अ मेजर नेवल एंगेजमेंट बट इन अ सिंगल डे डूम्ड द जापानीज एम्पायर टू रुइन एंड डिफीट। 1942 के एंड तक ब्रिटिश आर्मी सक्सेसफुली इजिप्ट के देश से इटालियन और जर्मन फोर्सेस को बाहर निकाल फेंकती। स्टालिनग्राड की लड़ाई बहुत लंबी छिड़ती है। नवंबर 1942 सर्दियों का मौसम फिर से आ गया है, जर्मन आर्मी के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टालिनग्राड के शहर में जर्मन आर्मी ने ऑलमोस्ट पूरा कब्जा जमा लिया था, लेकिन सोवियट्स आखिर तक लड़ते रहे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड पूरी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सबसे डेडलीएस्ट बैटल थी। फाइनली सोवियत सोल्जर्स सक्सेसफुल रहते हैं। करीब 300,000 जर्मन ट्रूप जो स्टालिनग्राड के अंदर मौजूद हैं, उन्हें घेर लिया जाता है चारों तरफ से सोवियत सोल्जर्स के द्वारा। ये लोग फरवरी 1943 में जाकर सरेंडर करते हैं। The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi six-month assault into the most ghastly military disaster in German history. Hands held high. The beaten Nazis pour from house after house in abject surrender. ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वर्ल्ड वॉर टू का। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इटली में रहने वाली आम जनता अपने डिक्टेटर मुसोलिनी को धक्के मारकर बाहर निकालती है। लिटरली इटली में आम लोगों के बीच में एंटी फैसिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अपनी हालातों से परेशान आकर सिविलियन लोग अपने डिक्टेटर के खिलाफ जंग लड़ते हैं और मुसोलिनी की हत्या करी जाती है एक गांव में रहने वाले आम इटालियन पार्टिसान के द्वारा। पार्टिसान का मतलब होता है कि सिविलियन लोग जो हथियार उठाते हैं किसी कॉज के लिए, फाइट करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, बेला चाओ जो फेमस सॉन्ग है, आज के दिन आपने मनी हाइस्ट सीरीज में सुना होगा उसे, इस गाने का ओरिजिन यही इटली में होता है इस समय पर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, गाने के पहले शब्दों में ही ओ पार्टिजानो कहा जाता है। पार्टिजानो यानी पार्टिसन। बॉम्बास्टिक मुसोलिनी द सॉडस्ट सीजर कम्स टू हिज एंड इन द गटर, फिटिंग क्लाइमैक्स टू अ लाइफ ऑफ ट्रेचरी एंड डबल क्रॉस। ही लेड हिज कंट्री टू रुइन व्हेन ही थ्रू हिज लॉट इन विद हिटलर।
इटली में एक नई सरकार बनती है और ये नई सरकार एलाइड फोर्सेस के साथ लड़ाई बंद करने का डिसीजन लेती है। धीरे धीरे एलाइड देशों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि वो एक्चुअली में हिटलर को हरा सकते हैं। नवंबर 1943 में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तीनों तेहरान में मिलते हैं डिस्कस करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर टू को खत्म कैसे किया जाए। 6 जून 1944 एक और ऐतिहासिक दिन जिसे डी डे कहा जाता है। इस दिन एलाइड फोर्सेस एक भयंकर ऑपरेशन शुरू करती हैं जमीन पर उतरने का। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन सोल्जर्स फ्रांस में मौजूद नॉर्मेंडी के बीचेस पर लैंड करते हैं। यहाँ पर ये जर्मन आर्मी के खिलाफ जमीन पर फाइट करेंगे और फ्रांस को रिहा करेंगे। कुछ साल पहले हुए डनकर्क के इवैक्यूएशन के बाद ये पहली बार था कि ब्रिटिश आर्मी जमीन पर मौजूद थी जर्मन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। Another of the great decisive battles of world history has been joined. This is the day for which free people long have waited. This is D-Day. हिटलर के लिए ये बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन बन जाती है। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर फोकस करने को कहा था अपनी आर्मी को। वहां पर ठंड के मारे उन्हें लॉसेस सहने पड़ रहे थे, सोवियत यूनियन को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे और अब ये वेस्टर्न फ्रंट से भी अटैक आ रहा है। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि ईस्टर्न फ्रंट से आर्मी को पीछे लिया जाए और सारा काउंटर अटैक फोकस किया जाए वेस्ट से आ रही एलाइड फोर्सेस पर। जैसे ही हिटलर ने अपनी आर्मी पीछे हटाई, सोवियत यूनियन से एक बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिला। सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर सोवियत्स ने करीब 600 किलोमीटर जमीन अपनी वापस ले ली जर्मन से। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया के देश अब सोवियत आर्मी के ऑक्यूपेशन के अंदर आ गए। दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस फ्रांस में साउथ से भी लैंड करती हैं। एक के बाद एक कंट्रीज का लिबरेशन होना शुरू होता है। हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल के फेंका जाता है। यूगोस्लाविया तो अपने खुद के दम पर ही जर्मन ट्रूप्स को बाहर निकाल फेंका था। अब 3 दिशाओं से जर्मनी पर हमला किया जा रहा था। हिटलर अपना आखिरी मेजर ऑफेंसिव प्लान करता है, जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ बल्ज। रिजर्व्स ऑफ मेन एंड मटेरियल हैव बीन होर्डेड फॉर द डे ऑफ काउंटर अटैक। द वेरी मच अलाइव जर्मन आर्मी गैदर्ड इट्स फोर्सेस इन द फॉरेस्ट आइल्स टू स्ट्राइक वन स्ट्रांग डिसाइसिव ब्लो एट द अमेरिकन आर्मी। आर्डेनेस के फॉरेस्ट रीजन में इसका मकसद था कि जर्मन आर्मी जाकर एलाइड फोर्सेस को पीछे निकाले। जर्मनी के अंदर फॉर्मली इन्वेड करने से पहले एलाइड फोर्सेस जबरदस्त एरियल बॉम्बिंग्स करती हैं जर्मन शहरों पर। द एरियल फेज ऑफ द वेस्ट फ्रंट ऑफेंसिव माउंट्स टू फुल फ्यूरी इन वन सिंगल डे ऑफ कोलोसल अटैक। दिस इज द ग्रेटेस्ट अलाइड एयर ऑफेंसिव सिंस डी-डे। फरवरी 1945 में क्रीमिया में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस करी जाती है। इसमें अनाउंस किया जाता है कि जो भी देश जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करेगा वो ज्वाइन कर सकता है जर्मनी पर हमला करने में। वेनेजुएला, उरुग्वे, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनन, पैराग्वे सब वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। वर्ल्ड वॉर टू के आखिरी 4 महीने सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन 30,000 लोग मारे जा रहे थे। जैसे जैसे एलाइड फोर्सेस आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें पता चलता है हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में, जहां पर लाखों बेगुनाह ज्यूज को बड़ी बेरहमी से मारा गया। एलाइड फोर्सेस की बॉम्बिंग्स जारी रहती हैं जर्मन शहरों पर। बाद में चलकर इस चीज को कुछ लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये अननेसेसरी था जर्मन शहरों पर बॉम्ब गिराना, जहां पर बहुत सारे सिविलियन लोग मारे गए। ड्रेसडन जैसे शहर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि ग्राउंड पर जाकर जब वैसे ही हिटलर को खत्म किया जा सकता था, तो ये करने की क्या जरूरत थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बड़ा क्लियर हो चुका था कि हिटलर यहां पर हारने वाला है। फाइनली जाकर मई 1945 में बर्लिन शहर को सराउंड कर लिया जाता है सोवियत आर्मी के द्वारा। इससे ठीक 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। 8 मई 1945 को जर्मनी फॉर्मली सरेंडर करता है। The Union Jack goes up to signalize the taking over by the British troops of their sector of Berlin. The date is July the 6th, 1945. A date the history books will remember. जो जर्मन टेरिटरीज थी उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की फॉर्मेशन होती है। एक नए पोलैंड देश की क्रिएशन होती है ईस्ट जर्मनी के एक बड़े हिस्से से, और बहुत से देशों के बॉर्डर्स दोबारा से ड्रॉ किए जाते हैं। आज के दिन जो यूरोप का नक्शा आप देखते हो, ये जैसा दिखता है ये वर्ल्ड वॉर टू की वजह से दिखता है। इससे पहले जो नक्शा था वो कुछ और ही होता था बिल्कुल। जर्मनी में जब नई सरकार बनती है तो वो फ्रांस के साथ हाथ मिलाती है। सदियों पुरानी दुश्मनी इन दोनों देशों के बीच में जो चलती आ रही थी, उसका फाइनली द एंड होता है। शुरुआत में इन दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कमिटी बनाई जाती है, ताकि कोल और स्टील जैसी चीजों को लेकर ये ट्रेडिंग कर सके। कुछ सालों बाद जाकर आसपास के देश जैसे इटली और ब्रिटेन भी इसका हिस्सा बनते हैं। ट्रेडिंग को अगली स्टेप तक ले जाया जाता है और इवेंचुअली जाकर साल 2000
2000 में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आज के दिन सारे बॉर्डर्स खत्म कर दिए हैं यूरोपियन देशों के बीच में, और थैंक्स टू जिसकी वजह से आज के दिन तक वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई इस तरीके की वॉर नहीं हुई यूरोप में। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना करी जाती है, ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा से दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर ना देखने को मिले। They have made a beginning, a brave beginning that can build a mighty structure for peace. Out of a world of agony and total war has come a charter that must mark a turning point in human history. A new way lies ahead. इसके बाद चलकर वर्ल्ड बैंक, IMF और नेटो का भी फ्रेमवर्क सेटअप किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि आपने नोटिस किया हो यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो एक्चुअली वो देश हैं जो एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थे वर्ल्ड वॉर टू में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वैसे जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म नहीं होती, जापान अभी भी 2 महीने लगा देता है सरेंडर करने के लिए। जुलाई 1945 में जापान को अल्टीमेटम दिया जाता है कि वो सरेंडर करे, लेकिन इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके बाद अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराता है। क्या है इस एटॉमिक बम की पूरी कहानी, इसे मैंने एक्सप्लेन किया है हिरोशिमा और नागासाकी वाले वीडियो में, यहां क्लिक करके आप और जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।